हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिली 2.0। गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं ड्रॉप आउट चैनल से डैंक इंडियन मीम्स, मीम्स फनी वीडियो, मीम्स कंपाइलेशन, वायरल मीम्स, ट्रेंड मीम्स। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोर्ट पर नाउ यू क्या कर रहा है? मुंह से बज रहा है। ये बढ़िया था। साइकिल कर लो अरेस्ट, कुड़ी है कि क्रिमिनल, द वे शी बैक इट अप, डैमेज करे फिजिकल, रिमाइंडर करावा तेनू एवरी ईयर, तो गली दा कुत्ता में जंगल दा शेर। हां भाई बजा दे, भेज अपनी मम्मी। बे यार हद है, तेरे हाथ में जो गिटार है वो उसकी बात कर रहा है। क्या आपके भी घर में कोई दारू पीता है? हाँ। क्या आपके भी घर में कोई गुटखा खाता है? हाँ। क्या आपके पति भी नशा करके आपको गंदे मुंह से गालियाँ बकते हैं? अरे हाँ भाई हाँ। तो हम लेकर आ गए आपके लिए रेड बबुल टूथपेस्ट, जो आपके पति के दांत हमेशा साफ रखे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, मतलब सीरियस प्रॉब्लम्स का ये हल है। हमें लोन चाहिए। आप लोग लोन चाहिए? लोन चाहिए मेरा लोन लोन ना मेरा लेंगे यार, बच्चों के लिए ऐसा मजाक प्लीज। Hey, y'all come look at this। औलाद कहती थी ना कि आपने हमारे लिए क्या किया है अब्बाजान, सिर्फ घर बना दिया है और कुछ भी नहीं किया। उसने कहा फिक्र ना करो, बहुत कुछ किया हुआ है, जब मरूंगा तो मेरी वसीयत पढ़ लेना। वो भाई साहब मर गए, उन्होंने वसीयत निकाली, पहला सफा पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि मकान गिरा दो, इसके नीचे खजाना आए। पैसा ही पैसा हो गया, फेंक के कागज दौड़े, मकान सारा गिरा दिया, खोदते जा रहे हैं, कुआं बन गया, खजाना नहीं निकला। वापिस आके अगला पेज पढ़ा उसका, वसीयत के अगले सफे पे लिखा हुआ था अब गिरा दिया ना, अब दोबारा बना के दिखाओ फिर मानूंगा। बहुत सही। क्या बात था यार, क्या बात था। कुलदीप जी, जैसे पिछले वीडियो में आपने मुझे बताया था कि आपकी वाइफ के किसी और से भी संबंध है। हमारा महिमा से इतना प्यार था, जब तक हम उसके होंठों की लिपस्टिक नहीं चाट लेते थे हम सो नहीं पाते थे। तो रात में हम करीब करीब 3 बार लिपस्टिक लगवा के चाटते थे, जिससे हमें फील होता था कि स्वास्थ्य बढ़िया है। आज तो हम सर ये फोटो चाट चाट के, मतलब उतना तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम अपनी भावनाएं शो कर सकते हैं। इसमें क्या, इसमें फोटो है क्या? महिमा जी का फोटो है, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। देखिए सर कितनी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। अगर हम रात को इसे पास में ना रखें तो हम सो ही नहीं पाते हैं, सपने आते रहते हैं खतरनाक, ऐसा लगता है बहुत चुड़ा भाई ऐसे साइको से तो दूरी रहना अच्छा जी। प्लीज वापस आ जाओ, हमने आपको कभी मारा पीटा नहीं, जबकि ये जानते थे आपके लवर्स हैं, क्योंकि हम तुम्हारे बगैर बगैर जी नहीं पाएंगे, 2-4 दिनों में मर जाएंगे। ये क्या साइकोपंती है भैया, वो कोई औरत भी बहुत अच्छी नहीं, ठीक है। तो यू आर इंडियन? यस यस। आज सुबह मुझे एक पंडित ने बोला कि आज मैं ओमेगल पे एक बहुत ही सुंदर लड़के से मिलने वाली हूँ। तुम क्यों सर मार रहे हो? सॉरी सॉरी डार्लिंग। एक बार एक बहू अपने ससुर के पास खाली कप का चाय उठाने गई। अच्छा। तो वो जैसे ही झुकी तो बहू का पाद निकल आया। अरे माँ की माँ का चुदिए क्या हो गया? बहू शर्म के मारे वापस जाने लगे, तो ससुर ने पीछे से आवाज लगाई, बेटा यहाँ कुछ काम था कि सिर्फ पादने आई थी। हम फर्स्ट हवेली पे बुला रही भाई। साफ़ पास।
चलो फिर कहाँ चलना है बताओ बेबी। ले चलो मुझे गुफाओं के अंधेरों में जहाँ मैं अपना उजाला ढूंढ सकूं। तू समझा? समझ रहे हो? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अभी का सीन क्या कि जमाला वगैरह हो चुका है, बराती को खाना खिलाया जा रहा है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताओ कि हमारी प्यारी बहन कैसी लग रही है ना घूंघट में। तो पप्पी ला लीजिए। ये हुई ना राजा लोग की बहन। क्या ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। होल बंद हो गया। अरे क्या बंद हो गया? एक महीने का गैप हो गया तो होली बंद हो गया। अबे कान का छेद गधे कहीं के। क्या कहा? होल बंद हो गया, अब हम कैसे जिएंगे? तुम्हारा होल बंद हो गया। अरे रुको जरा, सबर करो। अरे कौन सा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है? अरे उससे पूछ, हमसे क्या पूछ रहा है? तुम ही बता दो ना। एक महीने का गैप हो गया तो छेद बंद हो गया है। क्या? अरे मेरी नाक का छेद। अरे मेरी नाक का छेद। दोनों कर सकते हो। सिर्फ दो चीजों पे आपको कॉन्सेंट्रेट करनी है। पहली चीजें होती है वो है कि मैं गांव वाला हूँ और वो जैसी मेरी कहानी नहीं है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है। दादी होती। हाय हाय। हेलो जतिन। हाँ कौन? जतिन कसौल जा रहा है घूमने परसों। मैं जा रहा हूँ। कौन भाई, तेरे को कैसे मालूम? मेरी मम्मी की दोस्त है तेरी मम्मी। आंटी मिली थी मुझे मार्केट में अभी, उन्होंने बताया कि जतिन जा रहा है कसौल लड़कों के साथ घूमने। फिर मैंने उनको बताया कसौल के बारे में। तूने क्या बताया? मैंने कहा वो मैं भी गया था एक बार, नशे होते हैं वहाँ पर। नहीं बस एक बार खाई में गिर गया था एक लड़का, वो मर गया। कहने लगे नहीं मेरे को पूरी बात बता। मैंने कहा जाने दो ना। मैंने कहा एक बार ये भी हुआ था, एक ग्रुप गया था आज तक वापस नहीं आया। तो मैंने कहा आंटी जाने दो। बोली नहीं 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 नहीं, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। उसके मम्मी जाना कैसे करते हैं? नहीं जाना है कहीं, घर में बैठो। दिन में हमारा आना जाना कम से कम 15-20 बार आना जाना रहता है। अभी तेरे पड़ेगी भैया। डर नहीं लगता तुम्हारा? अभी नहीं लिया हमसे। क्या बात है सर, क्या बात है, 15-20 बार निकलते रहते हैं। अच्छा भेजा यार, तुम क्या क्या धौंस देते हो, कहा नहीं लेता टोल? धौंस नहीं हो गया, नहीं लेता, बोलता है भैया किनारे से निकल जाओ आराम से। अरे गजब यार, जलवे वाले आदि भाई साइकिल ले रहते हैं ना, किनारे से निकाल देते हैं। साइकिल का टोल ही कम लगता है। ये बच्चों से जानते हैं कि उनका इंग्लिश का पेपर कैसा गया है। हाउ वाज द पेपर? इंग्लिश का, इंग्लिश का था आज। क्या बात है सर, ये पेपर दे के निकला है, इसे ये नहीं पता कि किस चीज का पेपर था। हद है, मतलब यार ये लड़का, आदमी बोलने जा रही थी मैं, सॉरी, ये लड़का अभी अभी पेपर देकर निकला है, एग्जाम हॉल से निकला है, इसे ये नहीं पता था कि पेपर किस चीज का था। भाई लिख के क्या आया है तू, लिख के क्या आया है ये? मतलब दिमाग खराब एकदम, हद हो गई भाई। ओ माई गॉड, मतलब एक तो मुझे वो सबसे पहले वाली वीडियो, ठीक है, एक वो स्पोर्ट्स बाइक की आवाज़ है ना, वो इतनी मस्त सुनने में, बहुत ही ज़्यादा मस्त है ना। और एक दूसरी साइकिल लिए हुए थे भाई साहब, लेकिन आवाज़ वो डबल मस्त निकाल रहे हैं ना, मुंह से ही भैया वो अपना बीट बॉक्सिंग कर रहा है बाइक की आवाज़ की। और एक वो भाई, वो आदमी नहीं समझ में आया, हमारी बीवी भाग गई है, ठीक है, उसकी बीवी वो तो दो कौड़ी की, ठीक है, जा भग जा जहाँ पे जाना हो, ठीक। और दूसरी बात, इस साइको के साथ रहना कौन चाहेगा, पहले ये बता दो मुझे, हैं? लिपस्टिक चाटते बैठते हैं जो, अरे तू 2-4 किलो लिपस्टिक ले ले, खा ले आराम से बैठ के, है ना, उसके बाद काम करियो अपना ना। उसके होठों पे लगा किसका चाटनी है, उत्ते
साला कुत्ता है क्या, चाट चाट के खाता है हर चीज। मतलब हद है यार, गुस्सा आती है ऐसी साइको फालतू लोगों पर। हमारे पास नहीं रहती, हम अपने पास ही सुलाते हैं, हम अपने पास ये करते हैं वो करते हैं। अबे इंसान है वो या गुड़िया है जो तेरे पास ही हर समय रहेगी है? और अगर काम वाम नहीं होते उसके, क्या ये होता है पता है क्या, कुछ लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, उन्हें लड़की के नाम पे चींटी भी दिख जाए ना तो वो उसके साथ भी मतलब ऑर्गेज्म ले लें हाथ। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा भाई। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं विल बी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।